गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम HTTP डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जानते हो HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन लेयर की ही प्रोटोकॉल है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 5। The Hypertext Transfer Protocol is an applications level protocol for distributed collaborative hypermedia information systems। है ना, बात की जाए एक application level protocol है जिसको हम applications पे use करते हैं distributions के लिए, collaborative के लिए, जोड़ने के लिए, hypermedia information systems के लिए। This is the foundations for data communication for the world wide web। अगर मैं world wide web की बात करूँ तो यहाँ data communications की starting हुई थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ओवर द इंटरनेट जब बात करते हैं, इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के बात करते हैं, तो हम वहाँ HTTP यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर डेटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज़ इंटरनेट सिंस 1990। HTTP इज़ अ जेनेरिक एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल विच कैन बी यूज फॉर अदर पर्पज एज वेल यूजिंग एक्सटेंशंस ऑफ इट्स रिक्वेस्ट मेथड्स एरर कोड्स एंड हेडर्स। आप देखिएगा जो भी एक्सटेंशंस हैं, हम जो ओरिजिनल डेटा के साथ जो एडिशनल्स डेटा ऐड कर रहे हैं उसको मैनेज करना है, एरर कोड्स आपको नेटवर्किंग सिक्योरिटी में आपको ये पूरा बताएंगे। एरर कोड्स मींस ये एरर कंट्रोलिंग मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एंड हेडर्स आपकी जो एक्चुअल डेटा है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशंस है उसको हम ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा क्या हो गया, आपके रिक्वेस्ट मेथड्स हो गए, एरर कोड्स हो गए, हेडर्स हो गए। तो दिस इज़ अ बेसिक HTTP नॉलेज अबाउट HTTP। बेसिकली HTTP इज़ अ TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू डिलीवर डेटा, HTML फाइल्स, इमेजेस, क्वेरीज, रिजल्ट। है ना, इसमें आप देखिएगा HTML फाइल्स होती हैं। आप लोग अगर इस सेमेस्टर में आपको लैंग्वेजेस का हो तो HTML आप देखिएगा, HTML फाइल्स होती हैं, .html extensions की images files होती हैं, कुछ queries होती हैं जैसे कि आपने DBM इसमें देखा। ठीक है, तो उनको हम इसमें यूज़ करते हैं। HTTP का सिंपल फॉर्मेट भी होते हैं, उनको हम वही कोड्स हम यूज़ करते हैं। ऑन द वर्ल्ड वाइड द डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ TCP इज़ 80। अगर मैं TCP पे डिफ़ॉल्ट पोर्ट की बात करूँ तो इट्स 80। TCP 80 होता है जो हम HTTP में यूज़ करते हैं, बट अदर पोर्ट्स कैन बी यूज्ड एज वेल। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर कम्युनिकेटर्स and to communicate with each other। HTTP specifications specify how client's request data will be constructed and sent to the server and how the servers respond to these requests। आप देखिएगा ये भी, जो हम client server architecture की बात करता हूँ, client server architecture में basically आपका client जो किसी चीज़ के लिए request करता है, उसके बाद जो आपको server रहता है उस चीज़ के लिए respond करता है, तो जो इसमें जो बेसिक वर्किंग होती है क्लाइंट सर्वर मॉडल की, वो इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हियर देयर आर सम फीचर्स ऑफ HTTP। बेसिक फीचर, देयर आर 3 बेसिक फीचर्स दैट मेक HTTP अ सिंपल बट पावरफुल प्रोटोकॉल। HTTP इज़ अ कनेक्शन लेस, द HTTP क्लाइंट्स दैट इज़ अ ब्राउजर इनिशिएट एन HTTP रिक्वेस्ट एंड आफ्टर अ रिक्वेस्ट इज मेड द क्लाइंट वेट फॉर रेस्पॉन्स, द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड द रेस्पॉन्डिंग बैक आफ्टर विच क्लाइंट डिस्कनेक्ट कनेक्शन। आप देखिएगा सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैसेज ही जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैसेज ही जाता है जो किसी सेंडर के द्वारा भेजना रहता है, उसके बाद वो वेट करता है उस पर्टिकुलर सर्वर से रेस्पॉन्ड, उसके रेस्पॉन्स के लिए। फिर जब कुछ समय बाद जब उस सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करेगा, फिर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। वैसे ही डिसकनेक्शन में भी यही चीज़ होती है। सो क्लाइंट एंड सर्वर नोज अबाउट ईच अदर ड्यूरिंग करेंट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ओनली। इसलिए जो क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो आपके करेंट जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। ठीक है, HTTP इज मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट यहाँ हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देर इज़ नो रोल ऑफ मीडिया, दैट मीन्स नो ग्राफिक्स, नो एनिमेशन। इट मीन्स एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी सेंट। आप किसी भी टाइप का डेटा इसमें भेज सकते हैं HTTP के थ्रू, एज लॉन्ग एज बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर नोज हाउ टू हैंडल द डेटा कंटेंट। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्लाइंट एज वेल एज द सर्वर टू स्पेसिफाई द कंटेंट टाइप यूजिंग अप्रोप्रिएट MIME टाइप। जो भी इसको आप डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, का जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं। HTTP इज स्टेटलेस,
stateless means, as mentioned above, HTTP is a connectionless and it is direct result of HTTP being a stateless protocol. The server and client are aware of each other only during a current request. Afterward, both of them forget about each other. Due to this nature of the protocol, neither the client nor the browser can retain information between different requests across the web pages. HTTP 1.0 uses a new connection. है ना, जो भी इसका वर्जन वाइज हम यू बात करते हैं, तो ईच रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एक्शन, वेयर एज HTTP 1.1 कनेक्शंस मे बी यूज फॉर वन मोर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एक्सचेंज। ठीक है, अगर मैं यहाँ बेसिक आर्किटेक्चर की बात करूँ HTTP की, द फॉलोइंग आर्किटेक्चर शो अ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड डिपेक्टेड वेयर HTTP साइट। आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको जो इन कर देता हूँ। वेब सर्वर, सर्वर साइड स्क्रिप्ट, डेटाबेसेस, वेब क्लाइंट, है ना, एक क्लाइंट है सिंपल सा जो रिक्वेस्ट करेगा और वेब सर्वर के पास ये उसकी रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो भी होंगी, जो रन्स होंगी, वो उस पर रन करेंगी फिर पर्टिकुलर डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन का जो बोथ डायरेक्शन में, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि डेटा विल बी ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। मतलब डेट मीन्स वेब सर्वर टू सर्वर साइड स्क्रिप्ट भी डेटा फ्लो हो सकता है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू डेटाबेस भी फ्लो हो सकता है, पर जस्ट के रिवर्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, डेटाबेस टू सर्वर साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट से वेब सर्वर पे भी डेटा आपका रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी सिंपल HTTP प्रोटोकॉल का बेसिक आर्किटेक्चर को बताती है, रिप्रेजेंट करती है। चलिए, द HTTP प्रोटोकॉल इज अ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर, वेयर वेब ब्राउजर, रोबोट एंड सर्च इंजन्स एटसेट्रा एक्ट लाइक HTTP क्लाइंट्स एंड द वेब सर्वर एक्ट एज अ सर्वर। क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ, क्लाइंट देखिएगा, HTTP क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट मेथड URL एंड प्रोटोकॉल्स फॉलोड बाय द MIME लाइक मैसेज कंटेनिंग रिक्वेस्ट मॉडिफाइड। ठीक है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन पॉसिबली बॉडी कंटेंट ऑफ TCP/IP कनेक्शन। सर्वर की अगर मैं बात करूँ, द HTTP सर्वर रेस्पॉन्ड विद स्टेटस लाइन इंक्लूडिंग द मैसेजेस प्रोटोकॉल वर्जन एंड अ सक्सेस और एरर कोड फॉलोड बाय द MIME लाइक मैसेज कंटेनिंग सर्वर। ये आपका सर्वर होगा जो सिंपल सा उसमें बात करता है। ठीक है, चलिए, ये आपका कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन हो गया आपका, जिसमें मैंने आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बताया। चूँकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो HTTP बेसिकली जो है वो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे भी क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होगा उसी के भी आप में ये वर्क करेगा। ठीक है, थैंक यू।